आज हम पहुंचे हैं देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत, एल ब्लॉक है ये, और वार्ड नंबर सर 77S। तो ये जो वार्ड है इसमें अभी क्या है कि ये जो चुनाव RWA का चुनाव समिति के तरफ से ये बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, जो प्रार्थी हैं, इनके नाम और चिन्ह हैं। मैं पूरे विषय क्रम में बात करूंगा और हमारे साथ जो मौजूद हैं इनसे परिचय भी कराता हूं, सर से भी परिचय कराता हूं और पूरे विषय पे जानते हैं कि RWA के जो चुनाव को लेके कितनी कितनी जो इच्छाएं इन लोगों के मन में प्रकट है और क्या क्या सोच रखे हैं, कितनी उत्साह है और जो RWA चुनाव से क्या कुछ मिलने वाला है, किस तरीके से क्या है, पूरा वाकया जानते हैं। सर अपना परिचय करेंगे। मैं RWA की चुनाव समिति की ओर से महेंद्र कुमार शर्मा हूँ, जो कि ये पूरे ब्लॉक का मेरे पास ही चार्ज है। इसके अंतर्गत जो हमने जो प्लानिंग बनाई है ये कम से कम 1.5 महीने से काम चल रहा है, हमारी वर्किंग चल रही है। इसके अंदर हमने हर ब्लॉक के एक एक घर को छुआ है, एक एक घर से हमने उनकी ID कलेक्ट करके सर्वे करवा कर उनकी मतदाता सूची तैयार की है। तो सर सूची क्या तैयार है? जी बिल्कुल तैयार। कितना है ये जो कैलकुलेशन में आपने कितना पाया, कितने जनों को आप वोटर की तरह पाए? इसकी लास्ट डेट एक्चुअली मैंने 18 तारीख रखी थी, बट कुछ कैंडिडेट्स जो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनकी शिकायत आज ये रही थी कि कुछ लोगों को पर्चियाँ नहीं मिली है, मतदाता पत्र नहीं मिला है, जो कि मतदाता पत्र ये है। तो मैं ये कैमरा में दिखाना चाहूँगा, ये मतदाता पत्र है, पूरी तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो ये विषय में फिलहाल के लिए चलिए, जितना भी हमारा कैलकुलेशन हो गया है जहाँ तक आप पहुँचे हैं, एक लमसम में एक बता दीजिए कि कितने वोटर फाइनली, एक अंक बता दीजिए, एक नंबर बता दीजिए आप। नंबर से टोटल एल्फ लोक संगम बिहार में टोटल अब तक जो वोट है अभी 1100 कुछ है, मतलब 1200 से ज्यादा नहीं जाएंगे, ये एल ब्लॉक की बात। जी 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 जी। तो ये आपने सुना और ये वोटिंग लिस्ट तो हो गई है, पूरा विषय क्रम में जानते हैं। सर अपना परिचय करेंगे। मेरा नाम सुभाष कुड़िया है, मैं महेंद्र जी का उपाध्यक्ष हूँ और हमने ब्लॉक में बड़े अच्छे तरीके से काम को सुचारू रूप से किया है। साथ के साथ में जो हमारी टीम वर्किंग है वो अभी लोग उपस्थित नहीं है और लगभग 15 से 20 लोग हैं इस टीम में। और जो अध्यक्ष जी हमारे से जिस तरीके से हम लोगों से कार्य को ले रहे हैं और हम लोग बड़े सुचारू रूप से उस चीज़ को उनका हाथ बताने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो मैं अध्यक्ष जी के ना बात को काटते हुए मेरा ये परिणाम है कि अगर चुनाव कोई भी हो, कोई भी लड़ता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव क्षेत्र का विकास हो जाए, क्षेत्र का विकास हो और अच्छे लोग चुन के आएँ और कोई ये ना हो कि भाई ये घोटालेबाजी से आया है। चलिए घोटालेबाजी से अभी थोड़ा सा रुकते हैं और ये जो जिन प्रार्थियों का नाम है, क्योंकि उनके बारे में अगर आप ये संगम बिहार के निवासी हैं, कई दिनों से आप यहाँ पे निवास में मतलब संगम बिहार में रहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है ये चार जनों को आप जानते हैं, तो आप ही लोगों से जानते हैं ये जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, क्या आपको लगता है इनमें से अगर कोई जीत के आता है तो क्या वो एल ब्लॉक का कल्याण करने में और विकास हेतु काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? पहले नंबर पे आते हैं अजीत सिंह जी, दूसरे नंबर पे आते हैं आपके प्रदीप शर्मा जी और तीसरे पे आते हैं राकेश यानी कि लाला और ये है शशि कपूर जी। तो ये जो चार उम्मीदवार हैं इनसे बात करते हैं, सर से बात करेंगे। सर ये चार उम्मीदवार को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल यूथ हैं, जवान हैं और शुरू से ही सोशल वर्कर रहे हैं, एक्टिव रहे हैं और जरूरी है कि इस ब्लॉक में कई दिनों से चुनाव नहीं हुए थे तो इसका चुनाव करवाने के लिए यही औचित्य है कि हाँ कोई एक चेहरा मिल जाए हमें इस ब्लॉक के लिए, जिसके पीछे पूरा ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए हम काम कर सकें। मैं रोकना चाहूँगा सर, तो शॉर्टकट में बताएं इन चारों में से, खैर आप अध्यक्ष हैं आप नहीं बोलेंगे, मगर एक बात पे पूछूंगा कि ये जो चार जन क्या है कि इनमें क्वालिटी है, अगर कोई भी चार जन में से एक आता है तो क्या ये सम ये जो कहते हैं ये कैपेसिटी रखते हैं कि ये ब्लॉक को संभाल लेंगे, एक जो RWA के जो मेन बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए इनमें है वो गुण? मैं सर आपको बताना चाहूँगा, इनमें से कोई भी कैंडिडेट आ जाए अपने आप में कैपेबल है और अपनी टीम जो इनके नीचे जो टीम बनेगी वो एक ब्लॉक से क्रीम निकल के आएगी जो इस इनके साथ पूरा सहयोग देगी और पूरे ब्लॉक के लिए
उसके अच्छे काम के लिए सब उनके साथ रहेंगे और पूरा ब्लॉक उनको सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जीत गया और उसके पीछे फिर काम खत्म, पूरा जो टीम बनेगी टीम भी बिल्कुल क्रीम ही छटके आएगी। तो कुल मिला के बात ये कि चार कैंडिडेट जो है इनमें से कोई भी निकल के आता है जीत के तो ये पूरी तरह से काबिल है, इस इंसान में से कोई भी एक दो तीन चार जने काबिलियत रखते हैं, तो देखना बाकी रहेगा कौन जीता है। बहरहाल इनसे पूछ लेते हैं कि सर ये जो चार कैंडिडेट का नाम आप देख रहे हैं किनको पसंद करते हैं। खैर मैं निजी तौर पर नहीं पूछूंगा, ये सामूहिक सवाल है, तो सामूहिक सवाल केवल यही पूछूंगा, क्या आप समझते हैं कि ये जो चार जने इनमें से कोई भी जीत के आएगा क्या वो काबिलियत रखते हैं ये एल ब्लॉक को संभालने के लिए, और एल ब्लॉक के विकास हेतु आरडब्ल्यूए का जो प्रधान का चुनाव है, एक प्रधान के रूप में आप इनको देखना चाहेंगे, इन चारों में से एक कोई काबिलियत है? हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं ये बड़े समझदारी के साथ में चुनाव को लड़ रहे हैं, और ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे पर मैं जनता से उम्मीद करता हूं कि जनता जिसको भी चुनेगी अच्छे तरीके से चुनेगी, अच्छे लोगों को चुनेगी ताकि ब्लॉक का कल्याण हो सके, ब्लॉक के विकास हो सके। चलिए ठीक है, ये हो गया संभावना की बात है। अच्छा सर, अभी तक की तैयारी की बात कर लेते हैं क्योंकि चुनाव ज़्यादा दिन रहने गया है। चुनाव का डेट सर कब है? 25 तारीख को है। समय सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा और 5 बजे एंड रहेगा, उसके बाद हम 6 बजे के बाद कभी उसको डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा ये टाइमिंग और समय के हेतु, आज सर डेट हो गई है 22 तारीख। जी जी, तो 22 सेवल दो दिन रह गए बीच में, तो तैयारी के नाम पे क्या बोला जाए, कौन से लोकेशन पे ये वोटिंग डलने वाली है, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने किस प्रकार की तैयारियां की है जिसके चलते ये चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्था जिसको कहते हैं, व्यवस्था कराई गई है और ये व्यवस्था के तहत ये शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का समापन हो? देखिए, इसके अंदर जो चुनाव जो होना है, अभी हमारे पास 2 दिन बाकी हैं, हमारी चुनाव मतदाता सूची तैयार हो चुकी है और इससे 1 दिन पूर्व हमने इनके चारों कैंडिडेट्स की मीटिंग लेनी है, जिनको हर बूथ का हमें इनको रिकॉर्ड देना है, मतदाता सूची देनी है। इसके साथ ही हमने ये भी सभी से निवेदन कराया है कि जो हमने सर्वे के दौरान जो पर्ची दी है जी, वो पर्ची लेके आए जो मतदाता आएगा उसके साथ अपना आईडी प्रूफ लेके आएगा तो ही वोट डालने का हकदार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये पर्ची हमने सभी जितने मतदाता हैं एल ब्लॉक के उनको सबको हमने प्रोवाइड करवा दी है, तो लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। अब देखना बाकी रहेगा कि अजीत सिंह जी, प्रदीप शर्मा जी, राकेश लाला जी और शशि कपूर में से, और ये चिन्ह में बता देता हूँ, अजीत सिंह जो है ट्रैक्टर चिन्ह है इनका, प्रदीप शर्मा जी है स्कूटर, और राकेश लाला जी जो है जीप, और शशि कपूर जो है रिक्शा। तो ये चार चिन्ह में से देखना पड़ेगा कि ट्रैक्टर आता है कि स्कूटर आता है कि, या तो बहरहाल चिन्ह चाहे कोई भी हो, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि आरडब्ल्यूए का विकास होना चाहिए, एल ब्लॉक का विकास होना चाहिए। देखना बाकी रहेगा, कोई भी कैंडिडेट निकल के आए और प्रधान बन के आए तो वो केवल और केवल संगम विहार का विकास और एल ब्लॉक का विकास और देवली विधानसभा 47 में जो भी उनके हिसाब से बन पड़ेगा उनको करना चाहिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता है तो। और सर आप क्या निवेदन करेंगे और क्या गुजारिश करेंगे? मैं सभी जितने भी ये जो चार कैंडिडेट हैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि ये लोग हैं कि सुचारू रूप से एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखें, उसको एंजॉय के रूप में, त्यौहार के रूप में बनाएं, ना कि कोई आपस में रंजिश के तौर पर। साथ ही एल ब्लॉक की जो संगम बिहार की जनता है उन निवासियों से भी निवेदन करूंगा कि उस दिन चुनाव के दिन 25 तारीख को वोट डालें, जिससे कोई एक नया प्रधान हम लेकर आए जो कि ब्लॉक के लिए डेवलप करे, ब्लॉक को डेवलप करे और ब्लॉक की जो समस्या है उसको ठीक से निभा सके। जी, तो निवेदन करना चाहेंगे लोगों को और क्या निवेदन करेंगे, किस तरीके से वोटिंग हो और जो इनसे क्या निवेदन करेंगे, इन कोई भी कैंडिडेट निकल के आता है तो क्या गुजारिश करेंगे इन सबसे? मैं सबसे पहले जो भी कैंडिडेट है सबको पहले बधाई देना चाहूँगा जो भी चुनकर आएगा, और साथ के साथ में मैं उनसे ऐसा आशा करता हूँ कि सबसे पहले हमारी जो देवली विधानसभा में है, हालाँकि उनके अंडर नहीं आता है पर RW के अंदर जुझारूपन तरीके से करके विधायक से पानी की समस्या का निजात दिलाई जाए, और जो हमारे ब्लॉक में कुछ लोग आवारा गर्दी करते हैं
उनसे मिला के तमाम सारी जो असुविधा है, संघर्ष जो चल रहा है अभी, समस्याएं हैं, तो समस्या को दूर करने हेतु जो भी कैंडिडेट आए वो एक प्रधान बन के आएगा, तो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी तरीके से बखूबी से निभाएं, ताकि समाज का कल्याण हो और एल ब्लॉक का कल्याण हो, तो उनका जो रोल है वो बखूबी वो पूरा कर सके। तो 25 तारीख को ध्यान रखिएगा, 25 तारीख को जरूर कवरेज मिलेगी और न्यूज़ भी मिलेगी, और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। हम आने वाले टाइम पे 2-3 दिन में RWA के अंतर्गत जितनी सारे अपडेट्स होंगे और चुनाव के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे, चुनाव के जितने भी परिणाम आपको निकल के आएंगे क्या है कितने में, हर घंटे आपको लाइव करके दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिए। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जनता जनार्दन लगातार बार बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Make the ground shake.